Hello student, I am Kamlesh Chandra. Today we will balance the ionic reaction. Okay, class 11th, it's a chapter redox reaction. Now balance the following reaction by the ion action method. The Cr2O7 minus plus C2O4 minus sodium is equal to Cr plus 3 plus CO2 plus H2. तो इसे कैसे करते हैं? तो first half reaction लिख लेंगे. First half reaction. देखो Cr2O7 change in Cr plus 3. तो ये first half reaction हो गया. Cr2O7 2 minus change in Cr plus 3. ठीक है जी. इसके बाद next सेकेंड हाफ रिएक्शन. सेकेंड हाफ रिएक्शन ऑक्सीलेट आयन चेंज हो रहा है CO2 में. इसको लिख लेंगे ऑक्सीलेट आयन C2O4 2 माइनस चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस क्या है, पहले एटम बैलेंस कर लेंगे इसके. तो हम हेडिंग डालते हैं एटम बैलेंस. ठीक है जी. Cr2O7 2 माइनस इधर Cr प्लस 3. इसका मतलब क्या है, 2 Cr प्लस 3 इधर होगा Cr2O7 माइनस. अब सीआर और एटम जो है बैलेंस हो गए, लेकिन अभी ऑक्सीजन के हैं बैलेंस नहीं है. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किससे, वाटर मॉलिक्यूल से. तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक हो गया. अब देखिए 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए तो इसमें क्या होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा. तो हमें कितने एच आयन लेने पड़ेंगे, 7 × 2 = 14. तो 14 एच प्लस आयन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी. अब ये एटम्स इसमें बैलेंस हो गए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें चार्ज बैलेंस करने पड़ेंगे. क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करने पड़ेंगे. तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यही इसके अंदर हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं? और ये क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है जी. कितना लॉस हुआ है चार्ज में, 14. और इधर कितना गेन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है. तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 12 इलेक्ट्रॉन, 12 चार्ज इस तरफ. ठीक है. अब इधर कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस. ठीक है जी. तो इसमें टोटल लॉस कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन का. और राइट हैंड साइड में टोटल लॉस है कितना, 6 इलेक्ट्रॉन का. तो मतलब इधर क्या है, हमको चार्ज बैलेंस करने हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बैलेंस कर देंगे हम, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 एच प्लस. उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O. हो गया. तो देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, पॉजिटिव मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन का लॉस था. इसमें ही गेन कितना हुआ, 14 में से 2 गेन हो गया. तो टोटल लॉस कितना आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन का. एंड राइट हैंड साइड में 2 × 3 = 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्या है, लॉस है. तो जो लॉस हमने था इस इलेक्ट्रॉन का, इस तरफ कितना ज्यादा था, 6 इलेक्ट्रॉन. तो हमने इसको 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड दे दिया. तो दोनों तरफ क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया. ठीक है. अब यही सेम मेथड किस में अप्लाई करेंगे,
इस वाले में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो C2O4 2 माइनस एटम बैलेंस होंगे 2CO2। ठीक है जी, तो अब यहां पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एटम बैलेंस है C2O4 दोनों साइड, चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहां पे क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ठीक है जी, अब इधर क्या है, इधर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इस साइड पे क्या करेंगे हम, इस साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस साइड, राइट साइड में, तो दोनों क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, मतलब चार्ज इक्वल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज और राइट हैंड साइड का चार्ज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन आयन एक्सचेंज मेथड है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमें क्या है, सीधे आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंस करना है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद क्या है, अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं दोनों, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये है सेकेंड। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड के इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस किया जाए। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 6 इलेक्ट्रॉन करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसे लिख देते हैं C2O4 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 तो जा 6 CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, कट हो गए। ठीक है, और बाकी इक्वेशन को हम लिख देंगे एज यूजुअल। ठीक है जी, अब बाकी जो इक्वेशन बची है वो बैलेंस होगी Cr2O7 2 माइनस प्लस इस साइड है 3C2O4 2 माइनस फिर 14H प्लस अब इज इक्वल टू में 2Cr प्लस 3 2Cr+3 और ये 6CO2+6CO2। अब क्या बचा, वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्या है कि ये आयन एक्सचेंज मेथड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो इसमें क्या है, 3 स्टेप्स हैं मेनली। फर्स्ट क्या है, आपको हाफ रिएक्शन दोनों लिख लेनी है ना, एक रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स रिएक्शन होगी, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, तो आपको ये नहीं लिखना, केवल हाफ रिएक्शन लिख देंगे हमें आगे हो जाए काम। तो इसके बाद इसमें एटम से बैलेंस करने हैं, तो इसमें क्या है कि दिक्कत आई, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को आपने वाटर से मॉलिक्यूल से बैलेंस कर लिया, फिर इसमें चार्ज बैलेंस कर लिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल करना आवश्यक है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी आयनिक, वो क्या होगी, बैलेंस होगी जैसे कि ये। ठीक है जी, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन बाय आयन एक्सचेंज मेथड, बट दिस रिएक्शन इज अ मॉलिकुलर रिएक्शन, है ना, कैसी रिएक्शन है, ये मॉलिकुलर रिएक्शन है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, आयनिक रिएक्शन में, चेंज इन आयनिक रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया जी, चेंज इन आयनिक रिएक्शन। तो MnO2 क्या है, आयन नहीं बन सकता है, ऑक्साइड इजीली आयन नहीं बनते, तो MnO2 हम एज यूजुअल लिख देंगे, प्लस एच प्लस प्लस Cl माइनस इज इक्वल टू Mn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आयन प्लस Cl2 प्लस ये हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या होगा, आयनिक नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब फिर वही फर्स्ट हाफ रिएक्शन MnO2 चेंज हो रहा है किसमें, MnO2
चेंज हो रहा है Mn2+ प्लस, ठीक है। और सेकंड हाफ रिएक्शन यहां पे लिख देते हैं, सेकंड हाफ रिएक्शन ठीक है जी। तो क्या है Cl माइनस चेंज इन Cl2, ठीक है, ये तो चार्ज इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, तो Cl माइनस चेंज इन टू Cl2, ठीक हो गया। अब इसमें एटम्स हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस द एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिएक्शंस। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस किससे करेंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है जी। MnO2 प्लस Mn2 प्लस प्लस कितने, टू वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू ऑक्सीजन बैलेंस होंगी टू वाटर मॉलिक्यूल से। तो इसमें कितना, टू टू जा फोर, तो फोर H पॉजिटिव इसमें लेने, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, इन एसिडिक मीडियम में चल रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा जी, फिर से चार्ज बैलेंस, ठीक। तो यहाँ पे कितना लॉस है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर, ठीक है जी। और राइट हैंड साइड में कितने का लॉस हुआ है, टू प्लस का, तो इधर लॉस है टू, ठीक है। तो अब टोटल बैलेंस लॉस कितना हो गया, तो फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन, तो टू इलेक्ट्रॉन अगर हम इसको दे देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा जी, हम दूसरी साइड जाते हैं, दूसरी साइड में Cl माइनस चेंज इन, तो पहले क्या है एटम बैलेंस करने पड़ेंगे, जैसे उसमें बैलेंस द एटम, तो Cl माइनस कितने, टू टू Cl माइनस चेंज इन Cl2, ये हो गए जी एटम बैलेंस। अब इसमें चार्ज बैलेंस, अब इसमें क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टू, तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसको हमने देने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसको भी देंगे, गेन करा देंगे, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, एटम भी बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए, अब क्या है चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब ये चार्ज को क्या है, अब दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वली है नहीं, तो फिर क्या हो गया, तो ऐड कर देंगे दोनों, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी। MnO2 प्लस फोर एच पॉजिटिव प्लस टू सी एल माइनस इज इक्वल टू एम एन टू प्लस प्लस सी एल टू प्लस टू एच टू ओ, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ इसमें, देखिए एम एन एम एन 4H, 4H, 2Cl, Cl2 इधर भी है, तो एटम भी बैलेंस हो गए, और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों क्या हो गया, कट हो गया आपस में, तो ये इतना इजी रिएक्शन है, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से आपको क्या है, पहले बैलेंस द एटम्स और उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फिर थर्ड स्टेप क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं दोनों हाफ रिएक्शन में तो उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।